बताओ कोई मुकाबला कर सकता है गठबंधन का? और याद कीजिए नौजवान साथियों, हमारे किसान भाइयों, माताओं बहनों, ये हमें और आपको क्या समझ रहे हैं? हमें और आपको सांप छछूंदर समझ रहे हैं? ये सबक सीखने के बाद भी नहीं सुधरे। उपचुनाव में भी यही कहा था हमें और आपको, सोचो क्या हुआ था उसका असर। और अब वही लोग हमें कहते हैं कि अगर संविधान नहीं होता तो जाकर के हम भैंस और गाय चरा रहे होते। सोचो कैसा दिमाग है, क्या सोच रखते हैं। इसी तरह हमारे तमाम लोग होंगे और वर्ग के लोग भी होंगे, अगर ये हमारे बारे में ऐसा सोच सकते हैं तो यहां पर और हमारे तमाम गरीब लोग होंगे। कोई ठेले पे कुछ कारोबार कर करके अपनी जिंदगी बसर कर रहा होगा, कोई रिक्शा चला करके काम चला रहा होगा, कोई छोटी मोटी दुकान लगा करके काम चला रहा होगा, कोई पाल समाज का होगा, सोचो के बारे में क्या सोचते होंगे। इसी तरह निषाद समाज के बारे में क्या सोचते होंगे, प्रजापति समाज के लोग होंगे उनके बारे में क्या सोचते होंगे, और इस तरह एक मौर्य समाज के लोग होंगे तो सोचो उनके बारे में क्या सोचते होंगे। और अगर हमारे बारे में ये सोचते हैं और उनके बारे में क्या सोचते होंगे, आप सोच लो। हम तो हैं, कैसे भी काम चला लेंगे, हमें काम चलाना पड़ेगा तो दूध और दही और घी से काम चला लेंगे। और अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने ये संविधान न दिया होता तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे होते? हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी कहीं मठ में बैठ करके घंटा बजा रहे होते और हिसाब किताब लगाइए इनका, हिसाब किताब लगाइए। जितना उत्तर प्रदेश का विकास था सब रोक दिया, सब विकास रुक गया, और जो आपको अधिकार मिले थे संविधान से, जो पढ़ाई को लेकर के थोड़ी बहुत मदद हो जाती थी, संविधान से कुछ अधिकार मिले थे, आपको नौकरी और रोजगार मिल जाता था, सब छीन लिया इन्होंने। बताओ आरक्षण छीना के नहीं छीना इन्होंने? ये साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, छल कर करके सत्ता में आना चाहते हैं। इसलिए आपसे हम एक बार फिर मदद मांगने आए हैं, आपसे सहयोग मांगने आए हैं कि ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है, ये उत्तर देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। हम लोग मिलकर के गठबंधन के लोग देश को आगे ले जाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि भारत को हम नया बनाना चाहते हैं। हमने इनके फैसले देखे हैं, आज नोटबंदी का फायदा नहीं बता रहे, आज जीएसटी जो बर्बाद हुआ कारोबार उसके बारे में नहीं बता रहे, जो 5 साल काम किया उसके बारे में नहीं बता रहे, इन्होंने देश को पीछे करने का काम किया है।